So we will start with what we have learned so far. हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो एज यू नो, रेडिएशन ये वेव है. हाउ डू यू नो? देर आर सम एक्सपेरिमेंट्स विच शो दैट रेडिएशन बिहेव लाइक अ वेव. विच एक्सपेरिमेंट या फिर विच ऑब्जर्व फेनोमेना? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. क्योंकि ये स्ट्रिक्टली वेव प्रॉपर्टी होता है, तो अगर रेडिएशन का इंटरफेरेंस होता है, रेडिएशन का डिफ्रैक्शन होता है, रेडिएशन का पोलराइजेशन होता है, रेडिएशन का फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन से रिफ्रैक्शन होता है, तो ये सारे के सारे वेव प्रॉपर्टी है. मतलब रेडिएशन मस्ट बिहेव लाइक अ वेव. लेकिन रेडिएशन ऑल्सो ऑल्सो अंडरगोस या फिर यू सी सम ऑब्जर्व फेनोमेना रिलेटेड टू रेडिएशन, जैसे कि फाउंटेन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फाउंटेन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन विच रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सर्फेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दैट सर्फेस. अगर सर्फेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, मतलब रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन ये पार्टिकल प्रॉपर्टी होता है, वेव नहीं. तो देर आर सम ऑब्जर्व फेनोमेना रिलेटेड टू रेडिएशन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई ट्रीटिंग द रेडिएशन एज वेव. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब तो तब समझा सकते हो जब तुम रेडिएशन को एज अ वेव ट्रीट करोगे. लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये आप अगर आप इफ यू आर ट्रीटिंग रेडिएशन एज वेव, तो यू कैनॉट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्व फेनोमेना. इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि रेडिएशन जो है उसका डबल नेचर है. रेडिएशन अगर इंटरफेरेंस शो कर रहा है तो वो वेव है, रेडिएशन अगर कॉम्पटन इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक शो कर रहा है तो वो पार्टिकल है, राइट? तो कल हमने ऑलरेडी ये देखा था, तो आई विल नॉट गो इन टू मच डिटेल्स ऑफ इट. तो तुमको पता होना चाहिए कि एनीथिंग शोइंग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इज अ वेव, एनीथिंग अंडरगोइंग कोलिजन और स्कैटरिंग इज अ पार्टिकल, राइट? तो आई जस्ट क्विकली वेरी क्विकली रिवाइज, क्योंकि अगले टॉपिक के साथ लिंक नहीं हो पाएगा. ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी मतलब रेडिएशन इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय प्लैंक. प्लैंक सेड, प्लैंक प्रपोज्ड अ मॉडल दैट सेज एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटा और फोटॉन्स, राइट? और एट हायर फ्रिक्वेंसीज दिस पैकेट्स मतलब दिस फोटॉन्स हैव हायर एनर्जी. जितना फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा. फिर हमने देखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट. या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट. कोई भी लाइट इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं क्या? नहीं होते. तो कब होते हैं? फॉर अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी. इसको आप बोलते हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है उसको बोलते हो फोटो सेंसिटिव सरफेस. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट. मैंने आपको बताया था कि सुटेबल क्यों? क्योंकि अगर एक मेटल सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इट रिक्वायर्स सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना एनर्जी होना ही चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 eV एनर्जी रिक्वायर्ड है और प्रोटॉन के पास 6 eV का 6 eV का एनर्जी, तो इमिशन होगा क्या? नहीं होगा. तो प्रोटॉन का एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा. प्रोटॉन का एनर्जी बढ़ाना मतलब प्रोटॉन का फ्रिक्वेंसी बढ़ाना, राइट? इसलिए हमने बोला है कि सुटेबल फ्रिक्वेंसी. तो यू शुड नो दैट द सुटेबल फ्रिक्वेंसी, सुटेबल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. ओके, देन गोइंग अहेड, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, एक मिनट, ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है, तो सिर्फ एक मिनट दो, गिव मी जस्ट अ मिनट. तो ओके, तो वी कैन ऑल्सो वर्क इट लाइक दैट ओनली, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम आ गए यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे, फाइन. तो हमने कल देखा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? कितने लोगों को याद है?
हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोलेटर इफेक्ट? याद है क्या क्या था उसमें? मैंने बताया था, एक है फोटो सेंसिटिव प्लेट जिसको आप बोलते हो इमीटर प्लेट, राइट। तो देयर इज एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में एक है इमीटर प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब, और एक है कलेक्टर प्लेट। इमीटर प्लेट इज कॉल्ड एज कैथोड एंड कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड एज एनोड। देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट बोलने से बेटर है सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इस सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लाइट इंसिडेंट होगा इमिटर प्लेट पे, और यहाँ से इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स विच आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कलेक्ट होंगे? कलेक्टर प्लेट पे। फिर देर वॉज अ वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, क्योंकि हमको इमिटर और कलेक्टर प्लेट में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखना पड़ता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ क्वार्ट्ज विंडो कंटेनिंग फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट जिसको तुम इमिटर बोलते हो, एंड अनदर प्लेट जिसको तुम कलेक्टर बोलते हो। अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, देन देयर इज अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स जो होता है ये इमिटर और कलेक्टर प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने का काम करता है, राइट। फिर एज यू नो देयर इज अ कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर की का काम क्या था? अगर मुझे पोलैरिटी चेंज करना है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं। नॉर्मली व्हाट वी डू इज, नॉर्मली हम लोग इमिटर प्लेट को रखते हैं जीरो पोटेंशियल पे या फिर नेगेटिव पोटेंशियल पे, और कलेक्टर प्लेट को रखते हैं हायर पोटेंशियल पे या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल पे। मतलब इमिटर नेगेटिव प्लेट है और कलेक्टर पॉजिटिव प्लेट है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज योर इंटेंशन? तुमको चाहिए कि ये जो लाइट है ये इमिटर प्लेट पे इंसिडेंट हो, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाहिए? कलेक्टर प्लेट पे। तो इमिटर प्लेट को नेगेटिव रखोगे तो इमिटर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और कलेक्टर प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा, तब जाके वो कलेक्टर प्लेट तक आएंगे। तो नॉर्मल नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग इमिटर प्लेट को नेगेटिव रखते हैं या लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल पे रखते हैं। लेकिन आप आगे जाके देखोगे हमको कभी कभी उल्टा भी करना पड़ता है, इमिटर को पॉजिटिव करना पड़ता है और कलेक्टर को नेगेटिव। हमने जब कलेक्टर को पॉजिटिव किया था तो हमारा इंटेंशन ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने चाहिए। हम जब कलेक्टर को नेगेटिव करेंगे तो हमारा इंटेंशन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचने चाहिए। ओके, तो पोलैरिटी चेंज करना पड़ सकता है, इमिटर को नेगेटिव बनाना पड़ सकता है, तो वो कौन करेगा? कम्यूटेटर करेगा। फिर हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, ये कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। तो जैसे वोल्ट मीटर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हुए वो सर्किट में गए तो कितना करंट हुआ वो कौन मेजर करेगा? माइक्रो एमीटर, या फिर यू कैन से एमीटर, या यू कैन से गैल्वेनोमीटर। ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इफ यू रिमेम्बर मैंने वर्किंग बताया था, तो वर्किंग में क्या था? बेसिकली वर्किंग में मैंने बताया था कि दो ही स्टेप्स हैं, तीसरा मैंने एडिशनल डाला है यहाँ पे। पहला स्टेप है कि लाइट मतलब फोटॉन्स फ्रॉम सोर्स आर मेड टू इंसिडेंट ऑन इमिटर प्लेट, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट होंगे वो मैंने यहाँ बताया। इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। तो फोटॉन्स आए इमिटर प्लेट पे, इंसिडेंट हुए, और ऐसा अजम्पशन है कि ये जो फोटॉन्स है उसके पास सफिशियंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए फिर कहाँ जाएंगे? कलेक्टर प्लेट पे। तो वो कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्टर प्लेट। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एट द कलेक्टर प्लेट सी। तो बेसिक वर्किंग है ना। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, इसमें से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल आते हैं सोर्स से और एक होता है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तीन कौन से वेरिएबल? दो सोर्स से आए, कौन से आए? एक फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो सोर्स का, मतलब आप फोटॉन का एनर्जी चेंज कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फोटॉन का एनर्जी बढ़ रहा है, आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो फोटॉन का एनर्जी कम हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ नहीं समझ में आएगा अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं समझ में आई। तो दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी। तो दूसरा वेरिएबल है इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी का बेसिक डेफिनेशन आपको बताता है, इंटेंसिटी इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन याद रखो, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटोन का एनर्जी, व्हाट इज इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब मैं फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा रहा, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं, रिमेम्बर। क्योंकि आगे जाके तुमको देखो, आइडियली स्पीकिंग मैंने अभी बताया, रेडिएशन वेव भी है अंडर सम केसेस, रेडिएशन पार्टिकल भी है अंडर सम केसेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप रेडिएशन को एज अ पार्टिकल मान के एक्सप्लेन करते हो कि वेव मान के, एज अ पार्टिकल, इससे तो ड्यूअल नेचर आया ना, राइट। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि वाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाई ट्रीटिंग द रेडिएशन एज अ वेव। क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है ओवरऑल एनर्जी बढ़ना, उसका मतलब ये होता है कि फोटोन का मतलब लाइट का एनर्जी बढ़ना। लेकिन इन रियलिटी इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, ये अच्छे से समझ लो, नहीं तो अगला ग्राफ गए समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे आ गया। अब तुमको बेसिक्स पता होना चाहिए। क्लासिकल थ्योरी मतलब वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब होता है लाइट का एनर्जी बढ़ना, और पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ना, पार्टिकल मतलब कौन, फोटोन। सही है, ये समझेगा तो ही आगे समझेगा। तो जब तुम एक सोर्स का, एक बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो तुम लाइट का एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो, तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, क्लियर। तो दूसरा वेरिएबल है इंटेंसिटी। तीसरा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी बुक से पढ़ लो, आपको कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही, सिर्फ हमने क्या किया, हमने इमिटर प्लेट को जीरो पोटेंशियल पर रख दिया, और अब इमिटर प्लेट का पोटेंशियल हम कभी भी चेंज नहीं करने वाले। हम चेंज किसको करेंगे, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को। इसलिए लिखते वक्त वो हमेशा तुमको कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऐसा ही लिख के देने वाले हैं, राइट। तो तीन वेरिएबल थे, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। जब तुम ग्राफ प्लॉट करते हो उसमें से एक एक्सिस हमने करंट के लिए फिक्स कर दिया है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, मतलब फोटॉन्स आए इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, ये कैसे समझेगा, बाय मेजरिंग करंट। तो जो पैरामीटर हमको कंपलसरी मेजर करना है वो है करंट। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस में से वाई एक्सिस रिजर्व कर दिया, किसके लिए, करंट के लिए। तो वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास करंट हमेशा रहेगा। अब बचा एक्स एक्सिस, एक्सिस एक है वेरिएबल तीन है, तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। जब मैं फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट देख रहा हूँ करंट पे, दिखा है ना इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तब मैं बाकी के दो वेरिएबल को कांस्टेंट कर देता हूँ, बराबर। मतलब मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दिया और मैंने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल फिक्स कर दिया। मतलब मैं क्या करूंगा, इमिटर प्लेट को जीरो पोटेंशियल पर रखूंगा और कलेक्टर प्लेट को एक सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल पर रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट, इमिटर प्लेट इज एट जीरो एंड कलेक्टर इज एट +5 वोल्ट। अब मैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इस वोल्टेज को चेंज नहीं करने वाला, और मैंने क्या किया कि जो सोर्स था उसका ब्राइटनेस फिक्स कर दिया, मतलब इंटेंसिटी फिक्स कर दिया। इसका मतलब भी समझ लो, जब तुम बोलते हो इंटेंसिटी फिक्स करना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन इमेजिन वन इंटेंसिटी मतलब वन फोटोन, टू इंटेंसिटी मतलब टू फोटोन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मतलब नहीं होता उसका, राइट। वन इंटेंसिटी कैन ऑल्सो मीन 1 मिलियन फोटोन, ऐसा भी उसका मतलब हो सकता है। लेकिन समझने के लिए, थ्री इंटेंसिटी मतलब 3 फोटॉन, फोर इंटेंसिटी मतलब 4 फोटॉन, फाइव इंटेंसिटी मतलब 5 फोटॉन, अच्छे से समझ लो ये चीज, यहाँ तक क्लियर पक्का। तो हमने इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब इमेजिन ये जो सोर्स है इसका इंटेंसिटी इमेजिन 10 है, तो हर सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, वेरी गुड। तो प्लेट पे कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, 10। और अगर हर एक फोटोन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10, बराबर, गुड। अब ये दिमाग में रखो अपने ग्राफ समझने के लिए, गुड। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी को मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, और मैं कौन से दो पैरामीटर को कॉन्स्टेंट रखूंगा, इंटेंसिटी
एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब देखो, अ सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट सी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। मैंने तुमको अभी बताया इमिटर प्लेट के पोटेंशियल की कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि वो 0 वोल्ट पे फिक्स करके रखा हुआ है। ओके गुड, तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, और क्या कॉन्स्टेंट है, इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है, और इंटेंसिटी 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना है। 0 इंटेंसिटी मतलब फोटोन आ ही नहीं रहा, फोटोन आ नहीं रहा तो फोटो इलेक्ट्रॉन मिलने नहीं वाले तुमको। अब क्या करेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। हमने पहले एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फोटोन लिया, लाइट लिया, करंट नहीं मिला। क्यों, मैंने अभी बताया, क्योंकि किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जैसे 10 eV है, और मेरे पास फोटोन था, मतलब मेरे पास लाइट था 6 eV का, होगा क्या, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। फिर हमने देखा कि फ्रिक्वेंसी तो बढ़ा दी लेकिन अभी भी करंट नहीं आया, फिर हम फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे तुम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रहा है फोटोन का। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऐसा आएगा जिसपे तुमको जस्ट करंट मिलेगा, राइट। तो द फ्रिक्वेंसी एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब क्या, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसा बोल रहे हैं। क्यों, जिस फ्रिक्वेंसी पे आयन के सरफेस से इमिशन हुआ वो फ्रिक्वेंसी कॉपर के लिए नहीं होगा, उसके लिए अलग होगा, और वो फ्रिक्वेंसी निकल के लिए नहीं होगा, उसके लिए अलग होगा। तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सही है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फाइनली ऐसा फ्रिक्वेंसी मिला जिसपे आपको करंट देखने को मिल रहा है। करंट देखने को मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, इस फ्रिक्वेंसी पे फोटोन के पास इतना एनर्जी आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पा रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फिर कलेक्टर प्लेट अपना काम करेगा। कलेक्टर प्लेट क्या था, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कलेक्टर प्लेट के पास जाएगा, अट्रैक्ट होगा, करेक्ट, राइट। रिमेम्बर अब तक क्या है, हमने इतना ही फ्रिक्वेंसी लिया जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल 10 eV, 10 eV वॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और फोटोन के पास भी 10 है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसके पास कुछ एनर्जी है क्या, नहीं है। जितना एनर्जी फोटोन के पास था पूरा का पूरा यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। अब अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ, मतलब आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन फर्दर, मतलब अब फोटोन के पास एनर्जी ये ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए 10 चाहिए था, फोटोन के पास हो गया 11, तो फोटोन के पास कितना बचा, 1। तो ये 1 eV इलेक्ट्रॉन अपने साथ में लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ, अभी अगर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, इमेजिन 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास एनर्जी है एक के पास नहीं है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा। तो पहले क्या था, न्यू जीरो पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे करंट मिल तो रहा था लेकिन कम मिल रहा था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं था ना, तो सामने वाली प्लेट कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के लिए टाइम लग रहा था उसको, पहुंच तो रहा था लेकिन इट वॉज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम नाउ, बट इलेक्ट्रॉन नाउ हैज एनर्जी तो इट विल रीच अर्लियर फास्टर, राइट, करेक्ट, गुड। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा, गुड। और ये जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिसपे इमिशन स्टार्ट हो गया इसको तुम बोलते हो, याद है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, नो जीरो। तो अगर फ्रिक्वेंसी या थ्रेशोल्ड से कम हो तो इमिशन होने वाला है क्या, नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तो होगा, यस। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो देर इज नो इमिशन फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड देर इज नो इमिशन फॉर वेवलेंथ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देर इज नो इमिशन फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये था पहला ग्राफ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये पहला ग्राफ था। अब देखेंगे हम लोग दूसरा ग्राफ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
तीन में से एक वेरिएबल तुम प्लॉट कर रहे हो, तो बचे हुए दो क्या करने पड़ेंगे? कांस्टेंट। पिछले केस में हमने फ्रीक्वेंसी वेरी किया, तो कांस्टेंट कौन कौन था? इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब तुम इंटेंसिटी वेरी कर रहे हो, तो कांस्टेंट कौन कौन होगा? फ्रीक्वेंसी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने ही नहीं वाला है। फिर तुम इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लो, करंट नहीं मिलेगा। रिमेंबर, मैं वापस बोल रहा हूँ, लिंक करो। लिंक, विल देयर बी इमिशन इफ द फ्रिक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड? नो। तो तुम इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाते बैठो, करंट मिलने ही नहीं वाला, राइट? करंट कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा? जब फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। कलेक्टर प्लेट सी इज मेंटेन एट अ फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कॉन्स्टेंट रखना ही था, रख दिया। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑल्सो केप्ट कॉन्स्टेंट, बट द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये कंडीशन है, सही है? अब इट इज फाउंड दैट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ऐसा क्यों है ये सोचते हैं। चलो, वॉट हैव यू केप्ट कॉन्स्टेंट? फ्रिक्वेंसी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। इमेजिन इमेजिन पहले मेरे पास जीरो इंटेंसिटी था। जीरो इंटेंसिटी मतलब कितने फोटोन? जीरो। मतलब मेटल प्लेट पे, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे कितने इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए? तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए? जीरो। तो कितने कलेक्टर प्लेट पे गए? जीरो। तो कितना करंट मिला? जीरो। लॉजिकल। इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी टू वन, मैंने आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल बताया कि फिलहाल समझने के लिए वन इंटेंसिटी मतलब वन फोटोन, ठीक? इंटेंसिटी वन, कितने फोटोन? वन। कितने फोटोन इंसिडेंट हुए? वन। कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए? वन। कितने इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे गए? वन। तो करंट कितना मिला? वन। इंटेंसिटी टू, टू फोटॉन्स, टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन गए कलेक्टर प्लेट के पास, करंट कितना मिल गया? टू। इंटेंसिटी थ्री, थ्री फोटॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर प्लेट एंड करंट इज थ्री। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दिस इज वाई प्रपोर्शनल टू एक्स वाला फॉर्म आ गया। ये वाई पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट था और एक्स एक्सिस पे आपके पास था इंटेंसिटी। तो ग्राफ कैसा दिखेगा? वही तो बोला है, इट इज फाउंड दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ओके, दिस इंप्लाइज दैट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो लाइट का ही एनर्जी बढ़ा दो या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो। अगर एक फोटॉन के पास 5 ev का एनर्जी है, तो दो के पास कितना होगा? 10 ev। तीन के पास कितना होगा? 15 ev। ये डिफरेंस है वेव थ्योरी और इस थ्योरी में। वेव थ्योरी तुमको बताता है कि जब तुम बोल रहे हो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो पहली बात तो वेव थ्योरी में फोटोन नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेव थ्योरी में लाइट वेव है, और अगर वेव है, इंटेंसिटी बढ़ना मतलब वेव का एनर्जी बढ़ना, नंबर ऑफ वेव बढ़ना नहीं होता वहां पे, राइट? तो दिस इंप्लाइज दैट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम फ्रॉम द सोर्स, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हर एक फोटॉन का एनर्जी कॉन्स्टेंट है, बढ़ क्या रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो इफ यू लुक एट द ग्राफ, इफ यू लुक एट द ग्राफ, तो तुमको दिखेगा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट तुम जब प्लॉट कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। व्हाट व्हाट केप्ट कांस्टेंट? फ्रीक्वेंसी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट था? जस्ट अ मिनट, क्या कांस्टेंट था? फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है। और क्या कांस्टेंट है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, में इसको वीसी बोल दूंगा, ये भी क्या है? कॉन्स्टेंट। तो ये दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट। क्लियर, पक्का? अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली बोलना चाहिए इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, राइट, ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो, मतलब तुम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल चेंज कर रहे हो, तो उस केस में क्या क्या कॉन्स्टेंट रखोगे? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी।
अब अच्छे से सुनना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस पर क्वेश्चन भी आए हैं दोनों टाइप के एग्जाम में, तीनों टाइप के एग्जाम में, सीईटी जेईई नीट। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। नंबर टू, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, बराबर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, वेरी क्या करेंगे, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल वेरी करेंगे, सही है। इमिटर प्लेट के पोटेंशियल को हमने शुरू में कितने वोल्ट पे रखा था, जीरो। अब एक काम करते हैं, इमिटर प्लेट का पोटेंशियल जीरो और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल भी जीरो, दोनों जीरो जीरो रख देते हैं। लाइट सोर्स से कहाँ इंसिडेंट हो रहा था, इमिटर प्लेट पे, वहां से क्या इमिट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, और वहां से कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, क्योंकि कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे था। इमेजिन इमेजिन, इमिटर प्लेट भी जीरो पोटेंशियल पे है और कलेक्टर प्लेट भी जीरो पोटेंशियल पे है, दोनों जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है, राइट, बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं, फोटोन के पास उतना ही एनर्जी है जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए, मतलब फोटोन के, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ऐसा मान लो। मैं तुमको वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, माय क्वेश्चन इज दैट द फ्रीक्वेंसी दैट वी आर यूजिंग इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे फोटोन के पास उतना ही एनर्जी होता है जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए चाहिए। इमिटर प्लेट जीरो पोटेंशियल पे है, कलेक्टर प्लेट भी जीरो पोटेंशियल पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। माय क्वेश्चन वॉज, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यस होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे जाएगा कि नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो करंट क्या मिलना चाहिए, जीरो, ऐसा होता नहीं है, गुड। अब ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन है, बता देता हूँ तुम दोनों उसका रीजन। यहाँ तुम प्लेट प्लॉट कर रहे हो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, यहाँ तो प्लॉट तुम प्लॉट कर रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये इंटेंसिटी नहीं है, ये फोटो करंट है। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद इंटेंसिटी, मैं लिख देता हूँ, दिस इज करंट, जस्ट रिमेम्बर दिस इज करंट। अब ऐसा क्यों हुआ, इवन दो, और याद रखना, अगर एक्स की वैल्यू जीरो तो पॉइंट कहाँ लाया करता है, वाई एक्सिस पे, वाई की वैल्यू जीरो तो पॉइंट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, हाँ दोनों जीरो जीरो हो गए तो ओरिजिन पे, बराबर। अब ये याद रखना, आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इमिटर प्लेट भी जीरो पोटेंशियल है, कलेक्टर प्लेट भी जीरो पोटेंशियल है, तो तुमको करंट मिलना चाहिए था जीरो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब क्यों नहीं होता है, सोचो, देखो, फोटॉन्स आए 1 सेकेंड में, मान लो 10 फोटॉन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, 10, ठीक, बराबर। अगले सेकेंड में और 10 फोटॉन आ गए तो क्या हुआ, और 10 इलेक्ट्रॉन, अगले सेकेंड में और 10 फोटॉन आ गए, क्या हुआ, और 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर, अगले सेकंड में और 10 फोटोन आ गए और 10 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ये सबके सब जमा होते जा रहे हैं, क्राउडिंग कर रहे हैं, कहाँ पे, इमिटर प्लेट के पास में, इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये धक्का मुक्की की वजह से पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि फोटॉन्स तो कंटिन्यूअसली आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूअसली इमिट हो रहे थे। अब कंटिन्यूसली इमिट तो हो गए, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से, और वो क्वार्ट्ज विंडो था, मैंने बताया था क्वार्ट्ज विंडो का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता है, ट्यूब के अंदर ही रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, ये जो म्यूचुअल रिपल्शन है उसके वजह से सम इलेक्ट्रॉन विल रीच कलेक्टर प्लेट, इवन दो कलेक्टर प्लेट इज ऑल्सो एट जीरो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो करंट मिलने ही वाला है, फिर थोड़ा बहुत करंट यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाने लगेंगे, तो जीरो, इमिटर प्लेट जीरो पे था, कलेक्टर प्लेट जीरो पे था, फिर भी करंट था, अब मैं इमिटर प्लेट को जीरो पर रख रहा हूँ, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर रहा हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, करंट बढ़ेगा क्योंकि अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, सही है, मैंने और बढ़ा दिया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो जैसे जैसे तुम कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाओगे, वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास, मतलब
कलेक्टर प्लेट के पास पहुंचेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे सैचुरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन का मतलब होता है डन, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। सैचुरेशन का फिजिक्स में, साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब होता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, हम भी बोलते हैं ना पढ़ते पढ़ते, नहीं मैं सैचुरेट हो गया अभी नहीं पढ़ूंगा आज, मैं अभी मैं कितना भी पढ़ लूँ दिमाग में कुछ जाने नहीं वाला, वैसे ऐसा मतलब होता है कितना भी तुम कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा लो करंट बढ़ने नहीं वाला, ऐसा क्यों होगा? यही तो मजा है फिजिक्स का, इसलिए तो समझ में नहीं आता ना, क्योंकि फिजिक्स को तुमको खुद को इमेजिन करना पड़ता है कि सिस्टम के, अगर मैं सिस्टम होता तो मेरे अंदर क्या हो रहा होता, तो यू हैव टू इमेजिन व्हाई, व्हाट वाज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, उसका काम था इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाना। व्हाट वाज द अदर थिंग दैट वाज कांस्टेंट? इंटेंसिटी। नाउ इमेजिन, इमेजिन इंटेंसिटी 10 है तो हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए? 10। ठीक, जब इमिटर और कलेक्टर प्लेट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, क्योंकि दोनों जीरो जीरो पे थे, ऐसा मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था धक्का मुक्की की वजह से, रिपल्शन की वजह से एक ही पहुंचा। अब मैंने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा दिया, अब 4 पहुंच गए, और बढ़ा दिया अभी 8 पहुंच गए, और बढ़ा दिया अभी 10 पहुंच गए, और बढ़ा दिया 10 ही पहुंचे, और बढ़ा दिया 10 ही पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट ही उतने हो रहे थे, तो ज्यादा कैसे जाएंगे? इसके लिए फिर आ गया आपका सैचुरेशन। ये रहा तक पक्का? पक्का, गुड। तो ये आ गया आपका सिर्फ पॉजिटिव कलेक्टर पोटेंशियल के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव कलेक्टर, कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव साइड बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोथ आर केप्ट कॉन्स्टेंट एट सुटेबल वैल्यू। फिर क्या बोला है? पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट सी इज ग्रेजुअली इंक्रीज। तुम इंक्रीज कर रहे हो, देखो इंक्रीज कर रहे हो ना, जीरो के पीछे आए क्या तुम? नहीं, तुम आगे गए, तो क्या किया तुमने? इंक्रीज किया। वेरी गुड। एंड द रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड द रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इट इज फाउंड दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। इसको बोलते हो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट करवाया इसलिए। राइट, फिर क्या हुआ? एट सम स्टेज फॉर सर्टन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द प्लेट सी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम। क्या नाम दिया उसको? सैचुरेशन। क्या बोला उसको? सैचुरेशन। ठीक, बराबर, ओके। इफ वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट सी फर्दर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट इंक्रीज। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। यहां तक क्लियर है? पक्का? अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे, अब हम नेगेटिव साइड देख लेंगे। तुमने अभी पहले तो क्या किया, इमिटर प्लेट जीरो पोटेंशियल पे था, कलेक्टर प्लेट भी जीरो पोटेंशियल पे था, फिर तुमने कलेक्टर प्लेट को क्या किया? पॉजिटिव किया। अब तुम उल्टा करोगे, कम्यूटर की को उल्टा कर दोगे, क्या होगा? इमिटर हो जाएगा नेगेटिव, कलेक्टर हो जाएगा पॉजिटिव। वो तो पहले था ना, अभी उल्टा होगा, इमिटर हो जाएगा पॉजिटिव, कलेक्टर हो जाएगा नेगेटिव। सही है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस केस? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? पहले तो दोनों जीरो जीरो पोटेंशियल पे थे, मतलब थोड़ा बहुत करंट तो पहुंच ही रहा, और ये फोटो करंट है आई, और ये तुम्हारा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का एक्सिस। इवन एट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर रीचिंग कलेक्टर प्लेट। जैसे ही मैंने कलेक्टर प्लेट को माइनस पोटेंशियल पे डाला, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, प्लेट भी नेगेटिव, रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं, करंट क्या होना चाहिए? जीरो। राइट, मतलब थोड़ा सा भी मैंने नेगेटिव पोटेंशियल किया, करंट शुड गो टू जीरो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके लिए आपको अभी मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है वो सोचना पड़ेगा। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट हो रहे थे? इमिटर प्लेट, वो क्या था? मेटल प्लेट। अब तुमको सोचना पड़ेगा कि मेटल प्लेट के अंदर क्या हो रहा है। लुक, थोड़ा सा अच्छे से अभी सुन लो।
क्योंकि ये हायर लेवल मटेरियल साइंस है, नॉट रियली हायर लेवल, कुछ हायर लेवल होता नहीं है, सब ऑल सिंपल थिंग. इमेजिन यू हैव अ मेटल प्लेट, फोटॉन्स आर कमिंग एंड फोटॉन्स आर कोलाइडिंग विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स. सही है, लेकिन तुमने रदरफोर्ड का मॉडल तो पढ़ के ही रखा है कम से कम केमिस्ट्री में, राइट? वेर आर ऑल द पॉजिटिव चार्जेस? न्यूक्लियस, राइट, एट द सेंटर. वेर आर इलेक्ट्रॉन्स? एंड यू नो मोर देन 99% ऑफ एन एटम इज एक्चुअली एम्प्टी, है ना? वैक्यूम है, मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस, करेक्ट? पक्का? ओके. और आपको पता है मटेरियल किससे बनता है? एटम से. सही है, तो मटेरियल भी मोस्टली क्या हो गया? एम्प्टी हो गया. ठीक, मोस्टली. हाँ, मोस्टली इसका इमेजिन कर लो. ऐसे इस पे कोड भी है, नेवर ट्रस्ट एन एटम. वाई? जोक है, जोक. नेवर ट्रस्ट एन एटम बिकॉज इट मेकअप थिंग्स. जो लोग बातें बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, उस पर भरोसा मत करो. तो एटम्स क्या बनाता है? सब कुछ बनाता है. तो नेवर ट्रस्ट एन एटम बिकॉज इट मेक्स अप थिंग्स एनी वेज. एंड एटम इज ऑल्सो 99.99% एम्प्टी. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मटेरियल इज लाइक एम्प्टी. अब थोड़ा सा समझते कि फोटॉन्स के साथ क्या हो रहा है. फोटॉन्स आए, आए एटम के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होना चाहिए था. बट सोचो जरा अच्छे से, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है. तो कितना चांस है कि फोटॉन आएगा और आते से सरफेस के एटम के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार देगा? वेरी लेस, एक्सट्रीमली लेस, क्योंकि ऑलरेडी एटम 99% से भी ज्यादा एम्प्टी है. तो हाई चांसेस कि वो फोटॉन मिस कर जाएगा और मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा. ठीक, पक्का? सही है. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फ्री होके, वो एग्जैक्टली सरफेस से नहीं आ रहे, कुछ सरफेस से आ रहे हैं. बाकी कहाँ से आ रहे हैं? अंदर से आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं बाकी के? अंदर से. सही है. अब इमेजिन जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो सरफेस के एटम्स थे, उसका जो इलेक्ट्रॉन था, उसको फ्री होने के लिए 10 eV एनर्जी चाहिए. कितना चाहिए? 10 eV. कितना चाहिए? 10 eV. और फोटॉन के पास है 12 eV. जो फोटॉन्स कंटिन्यूअसली मटेरियल के ऊपर आ रहे हैं, उसमें से एक हाथ दूसरा फोटॉन सरफेस के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर गया, तो कितना एनर्जी लगा फ्री होने में? 10. तो बचा कितना? तो जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? यस. अब सोचो जो बाकी के फोटॉन्स थे जो मिस कर गए, कोलिजन हुआ नहीं, वो अंदर जाते जाएंगे, मटेरियल के अंदर जाएंगे, राइट? और कहीं तो जाके कोलाइड हो जाएंगे, किसी के साथ तो टक्कर होने वाली है उसकी. और वो ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, इट इज नैनोमीटर रेंज. अगर मटेरियल 10 मीटर थिक है आपका, तो 10 मीटर अंदर नहीं जाएगा, इट इज लाइक फ्यू नैनोमीटर्स. तो थोड़ा सा अंदर गया मटेरियल के, और अभी कोलिजन हो गया. फोटॉन का एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गया? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री. सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो सरफेस पे नहीं हुआ, वो अंदर हुआ. अभी अंदर से कहाँ आएगा? सरफेस पे. जब अंदर से बाहर आ रहा था, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स थे ना वहां पे, बाकी के एटम्स थे ना, तो पार्टिकल पार्टिकल में क्या होता है? स्कैटरिंग. एनर्जी का होता है लॉस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो थोड़ा सा अंदर से आ रहे हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी पता है कितना बचता है? जीरो. जीरो बचता है, जीरो, राइट? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि वो अंदर से बाहर आते आते इतना रेजिस्टेंस फेस कर लिया कि उनके पास एनर्जी ऑलमोस्ट नहीं है. बाकी के तो बेचारे बाहर आ ही नहीं पाते, जो आ गए उनके पास एनर्जी नहीं होता है. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही, ऐसा नहीं है. ठीक, ठीक है, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा. अब सोचो कि मैंने सामने वाली प्लेट को नेगेटिव कर दिया, जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो पहुंचेगा उधर? नहीं. लेकिन जिसके पास है वो पहुंच सकता है. इवन दो सामने नेगेटिव पोटेंशियल है, लेकिन इसके पास एनर्जी भी है, प्लस इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो बनते जा रहा है ना. मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो रिपल्शन भी होगा. तो थोड़ा बहुत धक्का ये इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, और बाकी उसके पास काइनेटिक एनर्जी था ही, तो वो पहुंच जाएगा. पहुंचेगा? यस.
तो थोड़ा सा करंट आपको मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को और भी नेगेटिव कर दोगे, और भी नेगेटिव कर दोगे, और भी नेगेटिव कर दोगे, और भी नेगेटिव कर दोगे। जैसे -1 था, फिर -2 कर दिया, फिर -3 कर दिया, फिर -4 कर दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जितना ज्यादा पोटेंशियल तुम नेगेटिव करते जाओगे, उतना करंट कम होते जाएगा, तो उतना ही करंट कम होते जाएगा। और फाइनली फाइनली एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे, क्योंकि कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल तुमने नेगेटिव किया है, इमिटर प्लेट 0 पे है, फाइनली एट सम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट द करंट गोज टू 0। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग, रुकाने वाला। किसको रुकाने वाला? इलेक्ट्रॉन को रुकाने वाला पोटेंशियल। तो अभी कलेक्टर प्लेट इतना नेगेटिव हो गया कि जित मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच सकता वहां, करेक्ट? तो ये था नेगेटिव साइड का ग्राफ। तो देखो अभी आगे क्या बोला है। द कम्यूटेटर की इज नाउ रिवर्स्ड एंड नेगेटिव, मतलब रिटार्डिंग, रिटार्डिंग। पिछला केस क्या था? एक्सेलरेटिंग, क्योंकि वो वेलोसिटी बढ़ा रहा था। ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। द कम्यूटेटर की इज नाउ रिवर्स एंड नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट सी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट ई। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी इज ग्रेजुअली इंक्रीज। देखो हमने भी धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, राइट? कब तक बढ़ाया? टिल द फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिड्यूसेस टू 0। आ गया द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी 0 गिवन टू द प्लेट सी फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स और बिकम्स 0 इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आया तक? ओके। तो जब तुम ओवरऑल पॉजिटिव कनेक्टर प्लेट पोटेंशियल, मतलब एक्साइटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल एक साथ प्लॉट करते हो, तो तुमको ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा मिलता है ना। ये नेगेटिव के लिए था और पिछले केस में पॉजिटिव के लिए था, तो मैं अगर पूरा एक साथ देख लूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट? क्लियर? पक्का? श्योर? श्योर? अभी पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर था। अभी तुमने क्या क्या कांस्टेंट रखा था पहले वो बताओ। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तुमने ऐसा किया कि तुमने बोला कि चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर देते हैं, अब हम लोग कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को पहले इंक्रीज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर कम्यूटर की स्विच करके डिक्रीज करते, देखते हैं क्या होता है। देख लिया, ये हो गया, ये आ गया। पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए सैचुरेशन करंट हो गया, नेगेटिव के लिए 0 करंट हो गया। जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हुआ वो स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दे दिया उसको, ठीक? अब ऐसा थॉट आया, एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो वही रखते हैं लेकिन अब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। लेकिन वेट, हमारे पास एक्सिस तो एक ही है, या तो मैं पोटेंशियल बढ़ा लूँ या फिर मैं इंटेंसिटी बढ़ा लूँ। तो हमने क्या किया, हमने अगर पहला एक्सपेरिमेंट 10 इंटेंसिटी पे किया था, 10 वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी वॉज 10, अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी की वैल्यू 20 कर दी। अब जब मैं वापस एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा तो मैं इंटेंसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट नहीं चेंज करूंगा, है ना? मतलब मैंने बल्ब लिया, ब्राइटनेस रख दिया कुछ, तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब मैंने ब्राइटनेस बढ़ा के वही चीज वापस रिपीट की। सही है? आ रहा समझ में? तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट यू आर नॉट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। सिर्फ इतना है कि जब पहली बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया था तब इंटेंसिटी जो था अब उससे बड़ा है, और बढ़ा के फिक्स कर देते हो, ठीक? फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, सिर्फ तुमने ब्राइटनेस बढ़ा दिया। मैं बताता हूँ तुमको, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। मेरे पास है ना येल्लो बल्ब था, येल्लो ना, येल्लो येल्लो डेड येल्लो, तो अभी भी येल्लो बल्ब है, पहले येल्लो बल्ब में करंट कम था, बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ब्राइटनेस बढ़ेगा। बस मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तुम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हो, अभी तो सिर्फ तुम सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो और सेम एक्सपेरिमेंट वापस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक? अभी क्या होगा फिर? अब क्या होगा? अब ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय यूजिंग इंटेंसिटी बीम्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, ठीक? फ्रीक्वेंसी वही, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज। इट इज फाउंड दैट इन ऑल द केसेस वी जीरो, मतलब कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम एज शोन। बता दो, वो डायग्राम बता दो, मैं डायग्राम बता देता हूँ तुमको। दिख रहा है? दिख रहा है को? इंटेंसिटी जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे तो तुमको ग्राफ वही का वही मिल रहा है, सिर्फ शिफ्टेड मिल रहा है।
लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए क्या है? सेम। अब हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक बात बताओ, वापस से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इट इज लाइक काइंड ऑफ आई डोंट नो मूवी था, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया वो, इंसेप्शन और मैट्रिक्स जैसे मूवी मेरे को नहीं ध्यान में पड़ते। वो हर बार पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं, तो ये भी वैसा ही है। अगेन गो फ्रॉम स्क्रैच, जीरो जीरो से स्टार्ट करते हैं। विल देयर बी इमिशन इफ इफ फ्रिक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी? नो। वेरी गुड, करेक्ट। विल देयर बी इमिशन इफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी? यस। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन फ्रिक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू थ्रेशोल्ड? जीरो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब अगर मैं फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बढ़ा दूं, इमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा, यस, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर रहा है। बराबर, पक्का। तुमने फ्रिक्वेंसी चेंज किया क्या? नहीं। तुमने क्या चेंज किया? इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, और हर एक फोटोन का एनर्जी था सेम। समझ में आया? तो पिछले केस में तुमने जो फ्रिक्वेंसी रखा था वही फ्रिक्वेंसी है। मतलब पिछले केस में इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, इस केस में भी उतना ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। मतलब पिछले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना था, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? द मैक्सिमम द पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी, जिसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाया वहां पे। ठीक, करेक्ट। तो अगर आपने फ्रिक्वेंसी चेंज किया नहीं, तो आपने काइनेटिक एनर्जी चेंज किया क्या? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या? हाँ। तो इन सारे केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा फिर? क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना मतलब करंट की वैल्यू बढ़ना। तो करंट की वैल्यू बढ़ी, तो ग्राफ अगर पहले ऐसा था तो अभी कहाँ जाएगा? ऊपर। और बढ़ाऊंगा तो और ऊपर। तो वही तो हो रहा है। डू यू सी द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्टिल द सेम, ओनली थिंग इट इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। तो फर्स्ट, फॉर अ गिवन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या बोला है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करता है और कौन नहीं करता है? इंटेंसिटी। ये अभी दिमाग में रखो, क्योंकि आगे जाके हमको वेव थ्योरी क्यों फेल हुआ उसके लिए यही पॉइंट वापस लिखना है। क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी डिसाइड करता है, और हमको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, फ्रिक्वेंसी। वेरी गुड। तो ये तो ज्यादा रिजिड है ना, ये तो ऑब्जर्वेशनल डेटा है। तो वो तो थेरी था, वो तो बोल दिया हाँ ऐसा है, वो ऐसा है, पर थेरी और ऑब्जर्वेशन तो कुछ और ही बता रहे हैं हमको। करेक्ट। अब एक काम करेंगे, अब हम लोग इंटेंसिटी फिक्स कर देंगे और फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सैचुरेशन करंट सेम आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम सेम है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी बढ़ाना मतलब फोटोन का एनर्जी बढ़ना, फोटोन का एनर्जी बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, तो इसका मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे उनका काइनेटिक एनर्जी कम था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम था। अब अगर मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो देखो वही हो रहा है, वही हो रहा है। द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज स्टडीड बाई एडजस्टिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट वेरियस फ्रिक्वेंसीज। ठीक। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट द सेम वैल्यूज ऑफ सैचुरेशन करंट आर ऑब्टेन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। दिख रहा है? सैचुरेशन करंट इज सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। हायर द फ्रिक्वेंसी हायर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हायर द फ्रिक्वेंसी मतलब हायर द एनर्जी ऑफ फोटॉन, मतलब हायर इज द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा, नेगेटिव। द
एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियरली लिखा है द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन किस पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। जितना ज्यादा तुम फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगने वाला है, दैट इज वॉट इट मीन्स। यहाँ तक क्लियर, गुड। हमने देखे टोटल 5 ग्राफ, एक्चुअली 7 ग्राफ, अभी और एक है, एक्चुअली अभी और 2 है। ठीक, एनीवेज, पहला था वेरिएशन विथ फ्रिक्वेंसी, उसमें इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आर केप्ट कॉन्स्टेंट। दूसरा था वेरिएशन विथ इंटेंसिटी, उसमें फ्रिक्वेंसी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल कॉन्स्टेंट था। तीसरा था वेरिएशन विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, उसमें फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट था। लेकिन इसमें 2 केसेस देखे, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, उन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ मैंने दिया है नोट्स में। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का सिंगल ग्राफ ड्रॉ करके दिया है वहां पर। ठीक, उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखा, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया एट डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज, वो हो गया एक ग्राफ। फिर हमने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया एट सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ये हो गया और एक ग्राफ। अब बचा एक बहुत बेसिक सा ग्राफ, वो बहुत ही बेसिक है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये तो क्या जोक है जी, अभी तो बताया मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है वो, लीनियर लाइन होता है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो तुम जब बोलते हो ना अच्छे से, थोड़ा सा मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स अच्छे से करना है तो मैथ्स लगने ही वाला है। तुम नीट करो, तुम JEE तो मैथ्स लगने ही वाला है तुमको। नीट के लिए तुम जब मैथ्स छोड़ते हो, यू आर लूजिंग फ्यू मार्क्स देयर, क्योंकि यू डोंट नो मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स। और तुम अगर मास्टर्स करने गए ना तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स, उसमें जो तुम 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में भी नहीं सीखोगे उसके भी ऊपर का मैथ्स होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी डराऊंगा नहीं मैं, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, तो गए। तो एनीवेज द आइडिया हियर इज, तुमको ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए। लुक, अगर आपने बोल दिया इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि फ्रिक्वेंसी जीरो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। ठीक, तुम ये बोलना चाह रहे हो क्योंकि लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है और तुम एक एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हो, दूसरे एक्सिस पे तुम फ्रिक्वेंसी प्लॉट कर रहे हो, लॉजिकली सोचो, फ्रिक्वेंसी जीरो बोल रहे हो मतलब फोटोन के एनर्जी ही नहीं है, तो इंसिडेंट क्या हुआ था मेटल प्लेट पे, कुछ नहीं। अब जब वो इंसिडेंट कुछ हुआ नहीं तो कुछ इमिट हुआ नहीं तो कुछ गया नहीं, तो रोक किसको रहा है फिर, वो किसी को नहीं। ठीक है ना, तो पहले ये समझ लो, इट कैन नॉट पास थ्रू ओरिजिन, बिकॉज व्हेन यू से फ्रीक्वेंसी इज जीरो यू आर एक्चुअली सेइंग कि देर इज नो फोटोन, देन यू आर सेइंग देर इज नो फोटोन बट देर इज इलेक्ट्रॉन, कैसे हो गया, तो नहीं हो सकता। नंबर 1, मतलब देर इज सम फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली। अब आ जाओ वही जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज 10 eV और फोटॉन के पास है 6 eV, होगा क्या, नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ तो प्लेट के पास कोई जाने की कोशिश किया क्या, नहीं किया। ठीक, अब तुम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, एक स्टेज पे इमिशन होगा, मतलब ये तो पक्का कंडीशन है कि फ्रिक्वेंसी इज मिनिमम इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ये मिनिमम कंडीशन है वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट तो होना चाहिए ना उसके लिए, हाँ, तो जीरो फ्रिक्वेंसी नहीं होता। गुड, अब अगर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो। ठीक है, ठीक, राइट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा क्योंकि ऑलमोस्ट एनर्जी है ही नहीं, तो
एनर्जी नहीं है तो कैसे जाएगा वो, नेगेटिव प्लेट के पास कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना। फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया, क्या होगा, कैनेडा एनर्जी बढ़ेगा, वेरी गुड, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, सही है, और बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और बढ़ेगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर मेटल के लिए मैं अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन, एक एक मेटल के लिए एक, ठीक। और ये जो ग्राफ है ना, ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहां पे कट करता है वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है वो। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी था, मटेरियल का, सही है। तो अगर मैं ए मेटल के लिए मैंने किया तो मुझे ए मेटल का लाइन मिल गया, अगर मैंने बी मेटल लिया तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, सेम नेचर ऑफ द ग्राफ बट स्लाइटली शिफ्टेड, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा। तो देखो अभी आगे क्या बोल, दिख रहा है ना वही ग्राफ एकदम सेम। देखो मेटल ए के लिए और मेटल बी के लिए, दीज आर पैरेलल लाइंस, और जहां पे ये फ्रीक्वेंसी एक्स को कट करते हैं वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, सिंपल सिंपल। और ये जहां पे वाई एक्सिस को कट करते हैं ना वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यहाँ पे वो 5-0 प्रिंटिंग मिस्टेक, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, गुड। चलो कोई बात नहीं, अभी यही लिखा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ओके देन ऑफ कोर्स फॉर अ गिवन, ये और नहीं है, ये फॉर है, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यहाँ तक क्लियर। देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम फ्रिक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स, चलो ठीक है, सिंपल सा ग्राफ था ये, क्लियर है, ये तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा ही है, लॉजिक ही है, मोर द फ्रिक्वेंसी मोर विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्ट्रेट लाइन आ गया, बस वो कहाँ जहाँ पे फ्रिक्वेंसी एक्स को कट करता है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का वैल्यू होता है, डन। अब जाते हैं अगले टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब बेसिकली व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। अब इसको अगर लेम भाषा में बात करें ना, सिंपल लैंग्वेज में एकदम, तो सी एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर्टी ना, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक सम एग्जाम्पल, दिस बेंच, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, हाँ उसका कलर एक प्रॉपर्टी हो गया, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट एक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब डायमेंशंस, ठीक। उसका मटेरियल वुड है वो एक प्रॉपर्टी हो गया, है ना, ऐसा हर एक चीज का प्रॉपर्टी होता है। तो ऑब्जर्वेशन से जो तुम बताते हो वो प्रॉपर्टी है। तो अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के तुमने इतने सारे ग्राफ देखे, तो जो भी तुमने ऑब्जर्व किया वो क्या बन गए, प्रॉपर्टी। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी राइट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। देखा था ना, ये एक फ्रिक्वेंसी थी उससे कम फ्रिक्वेंसी पे इमिशन हुआ गया नहीं, तो ये जो फ्रिक्वेंसी थी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को क्या हुआ था तुमने, थ्रेशोल्ड, उसके बिलो इमिशन होता है नहीं, उसके अबो होता है, यस। तो व्हाट यू हैव नोटिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी राइट, जैसे मैं अभी अभी बताया है इस बेंच का क्या क्या प्रॉपर्टी है। फिर तुमने दूसरा क्या चीज ऑब्जर्व किया, फॉर अ गिवन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब तुमने फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखा, ठीक, एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट रखा, तो वेरी किसको कर रहे हो, और ग्राफ कैसा था, तो भी लिखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सही है। तो हमेशा याद रखना, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि रट्टा मत मारो, ये दिस इज वॉट यू लूज, जब तुम रट्टा मारते हो ना तो मेन जो कंटेंट होता है तुम वो छोड़ देते हो, सिर्फ प्रेशर पढ़ना है लिखना है, फिर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, जो समझाओ लिखो, तुम तीसरा ग्राफ भी लिख दो, बोलो कि अगर मैं अभी यहाँ तो नहीं लिखा है लेकिन तुम लिख सकते हो एग्जाम में, अगर हमने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव कलेक्टर पोटेंशियल पे करंट सैचुरेट हो जाएगा और नेगेटिव पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, वो लिख सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि अगर मैंने सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पे किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, अगर मैंने सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे किया
तो सैचुरेशन करंट चेंज मिलेगा। तो ये सब तुम लिख सकते हो, इतना नहीं लिखेंगे हम लोग, बट अगर भूल जाओ तो है। इम्पॉर्टेंट ये है, थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विच मीन्स दैट देर इज नो लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। का मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर फोटोन के पास सफिशियंट एनर्जी है, मतलब अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली वहां से, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली एमिट हुआ। सो देर इज नो टाइम लैग बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट? मतलब ये बहुत रैपिड प्रोसेस है। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन का कोलाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की और इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी समझा है तो तुमको वेव थ्योरी के फेल्योर समझ में आएंगे कि क्यों हम लोग रेडिएशन को यहाँ पे वेव नहीं ले सकते, मतलब वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर देखोगे तो फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहला वो जो प्रोसेस था फोटोन इंसिडेंट होने का और इलेक्ट्रॉन एमिट होने का, वो क्या था? इंस्टेंटेनियस था। वेव थ्योरी प्रिडिक्स दैट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अब ऐसा क्यों? लुक, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर, बहुत ही क्लियर है, फोटोन के पास सफिशियंट एनर्जी है तो वो आएगा, इलेक्ट्रॉन को उड़ाएगा और मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। अगर फोटोन के पास उतना एनर्जी ही नहीं है तो इमिशन होगा नहीं। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलता है? वेव थ्योरी बोलता है, मान लो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 eV चाहिए और फोटोन के पास है, लेट अस से फोटोन के पास है 1 eV, मतलब मेटल सरफेस पे 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी आ रहा है? 1। तो 10 eV जमा होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद इमिशन हुआ, ऐसा वेव थ्योरी का बोलना है कि कोई भी मटेरियल उतना टाइम लेता है टू एक्यूमुलेट, जमा करना सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नॉकआउट एन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो देखो क्या बोला है आगे, द मेटल सर्फेस रिक्वायर्स रीजनेबल टाइम। कितना टाइम? फ्यू मिनट्स टू फ्यू आ। ये तो मैंने तुमको सिंपल एग्जाम्पल दिया कि 10 eV एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 सेकेंड में 1 eV आया तो 10 सेकेंड में 10 हो गया। मैं बोल देता है साहब 100 eV रिक्वायर्ड है और 1 सेकेंड में 0.1 eV आ रहा है, 1000 सेकेंड लग जाएंगे, डिवाइड बाय 60 कर लोगे तो मिनट्स में मिल जाएगा। तो एनी सरफेस रिक्वायर्स रीजनेबल टाइम फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आर टू एक्यूमुलेट सफिशियंट एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट दैट ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेस इज द टाइम रिक्वायर्ड। क्यों? लेस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इमिशन एंड वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि देखो इंटेंसिटी बढ़ाने का एक्चुअल मतलब क्या है? और तो अब भी पता है उनको, थोड़ी पता था उनके हिसाब से, क्या है? एनर्जी बढ़ाना। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? तो मान लो कि पहले 0.1 eV आ रहा था हर सेकंड में, अब मैंने बढ़ा दिया, अभी 1 eV आ रहा है हर सेकंड में, बराबर। तो पहले जिस प्रोसेस के लिए 1000 सेकेंड लग रहे थे, अब कितना लगेगा? 100 सेकेंड्स। तो इमिशन फास्टर हुआ कि नहीं? तो वही ये बोलना चाहते, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, इफ इट प्रेडिक्ट्स दैट ग्रेटर द इंटेंसिटी लेस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इमिशन एंड वाइस वर्सा। तो वो इंटेंसिटी कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा, राइट? पर ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर टू, सिंस लार्ज इंसिडेंट इंटेंसिटी इंप्लाइज लार्जर एनर्जी, वही मैंने बताया, जितना इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इमिटेड विथ लार्जर काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर 10 eV रिक्वायर्ड था फ्री होने के लिए, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गया, तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए?
इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऑब्जर्वेशन तो उल्टा ही बता रहा है। ऑब्जर्वेशन हमको क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। सिंपल, राइट, क्लियर यहां तक? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, विच इज इन कॉन्ट्राडिक्शन। हमको तो उल्टा ही समझ में आया यहाँ पे। क्लियर, गुड। तो बाकी का टू बी कंटिन्यूड। दैट्स इट फॉर टुडे।